हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम महकार सिंह, योर इंग्लिश टीचर। कैसे हैं आप? देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो 11th क्लास की जो न्यू बुक है ये है, ये हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक और स्नैपशॉट्स, ठीक है। आप इसी बुक को ख़रीदें और यही बुक आपकी चलेगी, यही आपके कोर्स में लगी है, न्यू कोर्स में, ठीक है। क्योंकि आपका जो है इंग्लिश की जो बुक है वो चेंज हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट देखिए, इसका जो पहला चैप्टर है ये है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको इसका सिलेबस और जो जितना सिलेबस कम हुआ है और जो आ रहा है वो कल की पिछली वीडियो में आपको सेंड कर दिया है, उसे आपने देख लिया होगा। और आज देखिए इसकी हम रीडिंग लगाएंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। और आपने, अगर आपके पास ये बुक थी तो आप, मैंने कहा था आपसे कि आप पढ़ें ना, इसकी हिंदी स्टोरी भी लिखी हुई है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी की, आपने पढ़ भी ली होगी। तो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें, ठीक है। अब देखिए अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। खुशवंत सिंह का जन्म 2 फरवरी 1915 को हुआ था और खुशवंत सिंह की मृत्यु जो है 20 मार्च 2014 को हो गई थी। वाज एन इंडियन ऑथर, कौन थे ये? एक भारतीय लेखक थे, लॉयर, वकील थे, डिप्लोमेट थे, जर्नलिस्ट थे एंड पॉलिटिशियन थे। His experience in 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan in 1956। और देखिए इन्हों की जो सबसे अच्छी जो इन्हों का एक एक्सपीरियंस रहा, जो इन्होंने एक बुक लिखी थी ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956, ये बहुत ही प्रसिद्ध रही, विच बिकम हिज मोस्ट वेल नोन नावल, जो एक बहुत ही जाना पहचाना गया नावल है। कौन सा? ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। खुशवंत सिंह बाज बेस्ट विद पद्म भूषण इन 1974। और देखिए 1974 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, बट ही रिटर्न्ड द अवार्ड इन 1984, पर 1984 में इन्होंने ये अवार्ड वापस कर दिया इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार इन विच द इंडियन आर्मी रेडेड अमृतसर। देखिए जब अमृतसर में जो प्रॉब्लम हुई थी तो उसके उपरांत इन्होंने 1984 में अपना पद्म भूषण सम्मान सरकार को वापस कर दिया था, ठीक है। इन 2007 ही वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और देखिए 2007 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया, जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। हिज बेस्ट वर्क आर ट्रेन टू पाकिस्तान, उन्होंने को सबसे अच्छा जो वर्क है वह ट्रेन टू पाकिस्तान, व्हाई आई सपोर्टेड द एमरजेंसी और दिल्ली ए नोवेल आई शैल नेवर हियर ए नाइटिंगेल द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये इनके अन्य वर्क हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए बाकी सब इसकी स्टोरी है, और जो इसकी स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी की स्टोरी है वो मैं आपको और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इसके सारांश आपने पढ़ लिया होगा, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी प्रथम पुरुष में लिखी गई है। देखिए इसमें क्या है, लेखक, ये द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और कोई नहीं, लेखक की यानी खुशवंत सिंह की खुद ग्रैंड मदर है, ठीक है, दादी माँ, ओके। और इन्होंने अपना बचपन में इन्हों के संबंध इन्हों की दादी माँ से कैसे थे, यानी कि इन्हों के जो रिलेशन था हमेशा इन्हों की दादी माँ के साथ
एज ए फ्रेंड रहा, ठीक है, एक मित्र के अनुसार रहा। और जो है इनकी दादी माँ ही इन्हें तैयार करती थी और वही उन्हें स्कूल ले जाती थी, और स्कूल के विद्यालय में इन्हें छोड़कर वो अपने जो है मंदिर में पूजा पाठ और अच्छी भजन कीर्तन करती थी और अच्छी पुस्तकें यानी कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में अपना जीवन व्यतीत करती थी। और जब स्कूल इन्हों का क्लोज हो जाता था, जब इनकी छुट्टी हो जाती थी, तो ये घर आ जाती थी। और घर आने के बाद जो है यानी कि ये अपने दोनों दादी पोते यानी कि लेखक और लेखक की दादी दोनों साथ साथ आते थे और जो गली के कुत्ते थे उन्हें रोटियां खिलाते थे। जब फिर क्या हुआ, इन्हों के पिताजी शहर में रहते थे, तो इनके पिताजी इन्हें गांव से इनके दादी जी को और इन्हें अपने साथ शहर ले गए, ठीक है। और शहर ले जाकर लेखक की उच्च शिक्षा का शिक्षा प्राप्त की लेखक ने, लेकिन लेखक को क्या था और हाईएस्ट एजुकेशन के लिए विदेश जाना पड़ा। और जब ये विदेश गए तो इनकी दादी जी काफ़ी उदास थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर वो उदासी नहीं प्रकट की और लेखक को माथे को चूमा और उन्हें विदा कर दी। और लेखक ने भी इस विदाई को अंतिम समझा कि वो शायद अपनी दादी से फिर मिले या ना मिले। पर हुआ क्या, लेखक वापस आया और अपनी दादी से मिला, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने देखा कि दादी जी, इनकी जो दादी जी थी वो पक्षियों को दाना खिलाती थी और भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करती थी। एक दिन क्या हुआ, इन्होंने एक फटे हुए ढोलक के साथ अपने पड़ोस की मोहल्ले की जो लेडीज़ थी उनके साथ भजन कीर्तन किया, और इन्हें लगता था कि इनकी दादी को लगता था कि उनका अब अंतिम समय आ गया है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय भजन कीर्तन में ही व्यतीत करती थी। लेकिन अंतिम समय भी ये अपनी प्रार्थना मन ही मन में अपनी प्रार्थना कर रही थी। उन सब ने काफ़ी मना किया, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। और इस प्रकार लेखक की दादी जी का देहांत हो गया, ठीक है। और जब उनका देहांत हो गया तो जिन पक्षियों को वो दाना खिलाती थी उन पक्षियों को लेखक की माँ ने दाना खिलाया, लेकिन उन पक्षियों ने दाना नहीं खाया। ऐसा लगता था कि वो पक्षी भी उनकी दादी का शोक प्रकट कर रहे थे, यानी शोक मना रहे थे। तो इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ओके। और अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अंडरलाइन द टेक्स्ट, ये बुक में आपका पहला क्वेश्चन है, द थ्री फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं। आज आपको ये दो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और इन्हें लर्न करना है, ठीक है। अब देखिए इन्हें थोड़ा संक्षिप्त में मैं आपको समझाता हूँ। पहले वाला क्वेश्चन का आंसर, द थ्री फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड आर गिवन बिलो। चाइल्डहुड, देखिए ड्यूरिंग दिस फेस ही यूज्ड टू लाइव विद हिज ग्रैंड मदर। तो चाइल्डहुड में क्या था, यानी कि लेखक अपनी ग्रैंड मदर यानी अपनी दादी जी के साथ ही रहता था इन ब्लेस गांव में। द ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम फ्रॉम वॉकिंग हिम अप एंड गेटिंग हिम रेडी टू एकम्पनी हिम टू द स्कूल। बोथ शेयर्ड ए गुड फ्रेंडशिप विद ईच अदर। तो चाइल्डहुड में क्या था, इनकी दादी जी ही इन्हें तैयार करती थी और वही इनके साथ क्या करती थी,
तो डियर स्टूडेंट्स, लेखक की जो दादी जी थी वही उन्हें तैयार करती थी, उन्हें स्कूल के लिए रेडी करती थी और स्कूल लेके जाती थी। और उनकी दादी के जो बिहेवियर था उनकी दादी जी का, उनके साथ लाइक ए फ्रेंड, एज ए फ्रेंड था। ठीक है, अब देखिए सेकंड है बॉयहुड। बॉयहुड मीन्स उसका लेखक का लड़कपन। ठीक है, एट दिस टाइम ऑथर एंड द ग्रैंड मदर मूव्ड टू द सिटी विद ऑथर्स पेरेंट्स। देखिए एट दिस टाइम, इस समय ऑथर एंड द ग्रैंड मदर यानी कि लेखक और उसकी दादी माँ मूव टू सिटी, शहर की तरफ घूमी विद ऑथर्स पेरेंट्स यानी कि ऑथर के पेरेंट्स के साथ वो कहाँ गए, शहर गए। नाउ ही शेयर्ड ए रूम विद ग्रैंड मदर बट सी कुड नॉट longer help him in his studies. This was a turning point in the friendship because now they saw less of each others. अब देखिए इस बॉयहुड में वो उनके समय ज़्यादा समय तक उनके साथ नहीं रही लेखक के साथ, क्योंकि उनकी ये स्टडी का जो था एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब लेखक बड़ा हो गया था और उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 एयरली यूथ यानी कि बचपन का जवानी। ठीक है, व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड वाज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में और अच्छे तरीके से लर्न करना। और देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है आपका, 3 रीजन व्हाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। तो द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अनहैप्पी, देखिए लेखक की जो दादी माँ थी क्या थी, अनहैप्पी अप्रसन्न थी, आफ्टर नोइंग दैट द थिंग्स टॉट टू हिम एट स्कूल वर रिलेटेड टू वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। वेस्टर्न साइंस यानी कि जो पश्चिमी की जो साइंस थी, जो यानी कि पश्चिमी में विदेश से जैसे कि इंग्लैंड से माना गया। ठीक है, secondly she was pained to know that there was no teaching of God and scriptures there. thirdly she was allergic to music, और देखिए तीसरी थी कि वह म्यूजिक में बहुत आनंद लेती थी। she thought it was not meant for decent pupil and gentle folk. It was the monopoly of prostitutes and beggars. और देखिए उन्हों की जो दादी में थी, अंत में जब लेखक चला गया था तो फोक सॉन्ग मीन्स यानी कि भजन कीर्तन करना और म्यूजिक संगीत ढोलक वोलक बजाना, उसमें बहुत आनंद लिया करती थी। ठीक है, तो इस प्रकार उनका जीवन व्यतीत हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। ओके, गुड बाय, टेक केयर।